साईं की बात बच्चे, जो तेरे नसीब में नहीं है ना वो भी तुझे मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और तेरा नसीब, तेरी किस्मत तेरे साईं के हाथ में है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा साईं ही नसीब को लिखने वाला और मिटाने वाला है मेरे बच्चे। तो जो तू चिंता मत कर, अब जो तेरे नसीब में नहीं भी है ना वो भी तुझे मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरी भक्ति से, भाव से और तेरे विश्वास से मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे बच्चे। तूने तो मुझे जीत लिया है मेरे बच्चे, अपने प्यार से, अपने भाव से तू तो मेरा बच्चा बन गया है और बहुत ही प्यारा बच्चा बन गया है मेरे बच्चे। और एक वक्त वो था जब तू मुझे जानता भी नहीं था, और जब से तूने मुझे जानना शुरू किया है ना, तब से तूने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है ना मेरे बच्चे, जो भक्ति दिखाई है, जो प्यार दिखाया है मेरे बच्चे, जो तूने मुझे अपना बाबा माना है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं कैसे हट सकता हूँ। अब तो मेरी जिम्मेदारी है तू मेरे बच्चे, अब मेरा जिम्मेदारी है और मेरा बच्चा है तू, अब तो मैं पीछे हट ही नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तो तेरे किस्मत में वो भी लिखूंगा जो नहीं है, सब लाकर दूंगा तुझे, सब कुछ जो तुझे जो चाहिए ना अपने साईं से मांग लिया कर मेरे बच्चे, सब मिलेगा मुझे तेरे बच्चे, सब मिलेगा। और हाँ, तुम सच्चे इंसान हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें कहीं सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, कहीं सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साईं जानता है कि तुम सच्चे हो और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तो वक्त आने पर सब ठीक होगा। तुम्हें कुछ साबित किसी के आगे करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपनी इज्जत को समझो, अपनी अहमियत को समझो मेरे बच्चे। हर बार तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, हर वक्त तुम झुक जाते हो इन रिश्तों को बनाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे अब जरूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं है, जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, वहाँ से दूर हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे ना आगे से, तो तुम भी उसके लिए दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में बहुत से रिश्ते आएंगे, बहुत रिश्ते आएंगे, एक नए नए रिश्ते आएंगे जो तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, और बहुत प्यारे रिश्ते आएंगे मेरे बच्चे। छोड़ो, जाने दो उन्हें जो तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहते हैं, भूल जाओ उन यादों को, उन बातों को, उन लोगों को। अब तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, जहाँ तुम्हें नए नए लोग मिलेंगे, जहाँ तुम्हें एक नया सफर शुरू करना है मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें मेरे ही बच्चे मिलेंगे और बहुत प्यारे बच्चे मिलेंगे। जाने दो उन्हें मेरे बच्चे, जाने दो, अपनी अहमियत को समझो। और हाँ, सही वक्त आने का इंतजार करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा सही वक्त आने पर ही सब कुछ करता हूँ। तो थोड़ा सबूरी रखो, तुम्हें सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें सब दूंगा। और हाँ, भविष्य की कुछ सोच समझकर बैठा हूँ तुम्हारे, तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो बस शांति से बैठो और मेरी लीला को देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, और बस ये देखो कि तुम्हारा साईं तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या करने वाला है। सोचो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं क्या क्या सोच कर बैठा हूँ मेरे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे भविष्य को बहुत सुनहरा बनाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत प्यारा बनाऊंगा। बस तुम तो मेरी लीला को देखते जाओ बस, और चिंता मत करो। और जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा मेरे बच्चे, जल्द ही मिलेगा। अपने आप को निखारो मेरे बच्चे, दूसरों पर यूं ध्यान देकर अपना समय को व्यर्थ मत करो। कोई कुछ भी कहता है ना, तो उस पर ध्यान देते हो, तो मेरे बच्चे ये समय अपने आप को निखारने का है, अपने आप को कुछ बनाने का है। अगर तुम इस तरह सा सब लोगों पर ध्यान देते रहोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। सबको सबको ध्यान में मत लाया करो, कोई क्या कहता है और क्या नहीं, सबको जाने दो। तुम तो बस अपनी ओर ध्यान रखो, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो, अपने आप को तुम्हें निखारना है, आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, और मैं जानता हूँ तुम करोगे। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे थक चुके हैं उन धोखेबाज लोगों से और जो ठोकरे खाई हैं उनसे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने हर बार जिस पर विश्वास किया है ना, उसने तुम्हें धोखा दिया है मेरे बच्चे। तो तुम्हें इस धोखों से सीखना चाहिए कि कभी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। हमेशा हर किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम हो मेरे बच्चे। इसलिए हर किसी पर विश्वास करना छोड़ दो मेरे बच्चे। और हाँ,
तुम तो प्रगति के रास्तों पर हो मेरे बच्चे, तुम तो प्रगति के रास्तों पर हो, तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए, अपने हक के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा और न्याय भी मिलेगा, ये तुमसे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, जो काम में तुम्हारा मन न लगे ना वो मत किया करो, जिस कार्य को करने में तुम्हारा मन लगे, तुम्हारी लगन लगे मेरे बच्चे, उसी कार्य को आगे किया करो, क्योंकि वही कार्य तुम खुशी से कर पाओगे जिसमें तुम्हारा मन करेगा। तुम अगर जबरदस्ती किसी काम को करने की कोशिश करोगे मेरे बच्चे, तुम काम तो करोगे लेकिन खुशी से और मन से नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से उस काम में अपने आप को नहीं ढाल पाओगे मेरे बच्चे। तो तुम वही काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे मन को भाता है मेरे बच्चे। और हाँ, यूं शांत बैठकर ये मत सोचा करो कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, अपने अंदर को नकारात्मकता मत लाओ मेरे बच्चे, अपने अंदर ये मत लाओ कि ये नहीं हो सकता, हर कार्य हो सकते हैं, हर कार्य तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जहाँ नहीं हो पाए मेरे बच्चे, अपने साई को बोल दिया करो ना, तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे लिए बैठा है, हमेशा मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सब करूँगा। और हाँ, तुमसे एक शिकायत है, क्योंकि तुम इंसानों को परखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तुम्हारे अंदर परखने की समझ नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि कौन इंसान तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत है मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हर वो इंसान तुम्हारी तरह नहीं होता और हर इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता मेरे बच्चे, नहीं सोचता। तो समझो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया, कौन कैसा मुखौटा लगाकर तुम्हारे आगे आता है और कौन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें हर बातों से अवगत कराता रहता हूँ, तो तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, समझना होगा। और कहते हैं ना कि जला हुआ भी छाछ भी फूक फूक के पीता है मेरे बच्चे, तो तुम्हें वही करना है, क्योंकि तुमने दुनिया में बहुत ठोकरें खाई हैं मेरे बच्चे, बहुत ठोकरें खाई हैं, तो तुम्हें आगे समझ समझ के बढ़ना होगा, सोच समझ कर कदम रखने होंगे मेरे बच्चे। और हाँ, तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा, तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को तुम्हारा साई पूरा करेगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं आने दूंगा। और हाँ, जो तुमने मेरी तस्वीर लगा रखी है ना अपने घर पर और कार्यालय में, जब तुम मेरी तरफ निहारते हो ना, प्यार से मुझसे बातें करते हो ना मेरे बच्चे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्नता मिलती है। जो तुम अपनी दिनचर्या की बातें मुझसे करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे कार्यालय में और घर में जो कुछ भी होता है ना, वहाँ पर कुछ भी संकट आने से पहले मैं उसे टाल देता हूँ, क्योंकि मैं सब देखता हूँ, तुम्हारे आसपास ही होता हूँ मेरे बच्चे, आसपास ही होता हूँ। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा मुझसे मिलने का दिल है, तो अपनी आंखें बंद करना और साई साई करके पुकारना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा तुमसे मिलने, ध्यान रखना। और हाँ, तुम चाह रहे हो ना साप्ताहिक पारायण शुरू करना, तो मेरे बच्चे कर लो, तुम्हें मेरी आज्ञा है, पूरी तरह से कर लो, शुरू करो, समय मत लगाओ मेरे बच्चे करने में। आज का साई संदेश